नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पंच महाभूतों को कंट्रोल करने से, पंच तत्वों को कंट्रोल करने से आप निरंतर स्वस्थ रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वायु मुद्रा के बारे में। इसके बारे में जानकारी डिटेल में प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अंगुष्ठी से तर्जनी को दबाना ही वायु मुद्रा होती है। अंगूठे को तर्जनी कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंगुष्ठी। आप जब अंगुष्ठी को तर्जनी से इस तरह से दबाते हो, इसे कहा जाता है वायु मुद्रा। और इस अवस्था में जब आप बैठते हो, यह कहलाती है वायु मुद्रा। इससे विभिन्न रोगों का शमन होता है दोस्तों, जैसे शरीर में कंपन हो, जोड़ों में दर्द हो, गाठिया रोग हो, वात रोग हो, लकवा हो, इन सब केस में वायु मुद्रा का बहुत लाभ होता है। गर्दन में जकड़न आना या फिर मुंह टेढ़ा पड़ जाना, नाड़ी दोष होना, या फिर आपको गर्दन से लेकर स्पाइनल इश्यूज जो भी हो, उन सभी केसेस में वायु मुद्रा करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। दोस्तों, जकड़न या जॉइंट्स के प्रॉब्लम वायु मुद्रा से सहज तरीके से ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ें वात से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। और जब आप वायु मुद्रा करते हो तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पांचों एलिमेंट पे पड़ता है, इनफैक्ट पांचों तत्वों पे पड़ता है। और इसका असर ये होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो बीमारियाँ हैं, वो ठीक होने लगती है। इसको ज़्यादा जोर से नहीं दबाना दोस्तों, आपको हल्के से दबाना, इस बात का ज्ञात है। इस पोजीशन में आते ही आपको इसका लाभ तुरंत मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, वायु मुद्रा का प्रयोग आप अपने जीवन में सदा कीजिए और इससे आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। दोस्तों, आपको वायु मुद्रा से कोई भी कंसर्न या इश्यू हो, आप तुरंत पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको इसके डिटेल्स अवश्य बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।